हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा में लगातार भर्तियां नहीं हो रही है, इसी वजह से डिपार्टमेंट लगातार भर्तियों को तरस रहे हैं, यानी कि जिनकी जगह है। दोस्तों, जैसे फार्मासिस्ट की बात करूं इस भर्ती के बारे में, दोस्तों हरियाणा में फार्मासिस्ट के स्टाफ की भर्तियों की कमी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 1085 में से 372 पद खाली हैं, यानी कि दोस्तों एक तिहाई पद इसमें अगर बोलेंगे तो खाली पड़े हैं, क्योंकि इस सिटी के अंदर फार्मासिस्ट के लगभग 250 पोस्ट हैं, उन पे भर्ती होनी जो अभी तक नहीं हो पाई है, 2 से 3 साल इसको गुजर चुके हैं, तो पोस्ट लगातार खाली हो रही हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो फार्मासिस्ट से संबंधित ये न्यूज़ है दोस्तों। इस भर्ती से सबसे अधिक अम्बाड़ा के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की जो है वो कमी है। हरियाणा में फार्मासिस्ट के करीब 1085 पद हैं टोटल दोस्तों, अगर बात करते हैं तो इनमें से 372 पद खाली हैं। सबसे अधिक फार्मासिस्टों के पद अम्बाड़ा के सरकारी अस्पतालों में खाली हैं। ऐसा भी पता चला कि कुछ अस्पतालों में तो फार्मासिस्टों की कमी के चलते अन्य कर्मियों द्वारा ही वितरित की जा रही हैं दवाएँ, यानी कि दोस्तों दो दवाई वगैरह में प्राइवेट फार्मासिस्ट अटेंड किए हुए हैं या फिर डीसी रेट या एच कैरन के माध्यम से कहीं कहीं पर लगे हुए हैं, तो वहीं दवाई जो है ना दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं ड्रग एक्ट की उल्लंघना भी है और इनको इतना ज्ञान भी नहीं है। सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए नीति तो बनाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द फार्मासिस्टों की कमी को दूर किया जा सके। तो दोस्तों, जो ये भर्ती अटकी है वो डिप्लोमा टाइप और एक्सपीरियंस के आधार पर भी जो अटकी हुई है उस पर केस किया हुआ है फार्मासिस्ट की भर्ती पर बच्चों के द्वारा, तो भर्ती अटकी हुई है अभी फिलहाल इस सीटी के अंदर। तो इस भर्ती से अगर ये भर्ती होती दोस्तों तो कुछ कमी जो है ना वो थोड़ा ही पूरी होगी, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर इतनी लगातार पोस्टें खाली हो रही हैं दोस्तों, और भर्ती 4 साल से एक भी नहीं हुई है। अगर एक हरियाणा पुलिस की भर्ती को छोड़ दिया तो वो भी काफ़ी आंदोलन करने के बाद दोस्तों आपके आखिरकार पूरी हुई थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फार्मासिस्ट की भर्ती की आवाज़ उठने लगी है, जल्द ही MPHW की भी भर्ती आने वाली दोस्तों, और भी भर्तियाँ आएंगी। अगर 19 दिसंबर को देखते हैं हम जो कोर्ट केस है, 19 और 20 को TGT का, 19 को आपके CET वगैरह के कुछ मुद्दों के ऊपर जो केस है वो चल रहे हैं, तो हो सकता है कि भी कुछ गुड न्यूज़ आए 19 तारीख को। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।